वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल एस्ट्रोसाई गुरु में स्वागत है। आज हम शुक्र का जो गोचर 2 अक्टूबर 2023 को 28 दिन के लिए जो हो रहा है वो सिंह राशि सूर्य की राशि में हो रहा है। सूर्य की राशि में बेसिकली वो तो एक तरह का शत्रु राशि है, मगर फिर भी इसके 12 राशियों पे क्या परिणाम होंगे वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे शुक्र कौन है। शुक्र बेसिकली वीनस, इसके गुरु शुक्राचार्य हैं जो कि शिव जी के परम भक्त हैं। शुक्र बेसिकली अगर आपके हॉरोस्कोप में वेल प्लेस्ड हैं, मतलब कहने का तात्पर्य ये है अगर उस पर पापी ग्रहों की दृष्टि नहीं है तो व्यक्ति बड़ा लग्जूरियस लाइफ जीता है और उसके पास हर किस्म के कंफर्ट्स, वो टॉप एंड कंफर्ट्स। और बेसिकली शुक्र जेंट्स के हॉरोस्कोप में लेडीज़ डिनोट करता है, और साथ ही इसमें यह भी है कि शुक्र बेसिकली ब्यूटी, कॉस्मेटिक्स, दूध, सिल्क, ब्यूटीफुल क्लॉथ, इस किस्म के चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे में अगर शुक्र की आपकी पोजीशन हॉरोस्कोप में ठीक नहीं है तो क्या होगा कि आपको जीवन में वो लग्जरीज नहीं मिल पाएंगे जो एक नॉर्मल जैसे शुक्र की। तो बेसिकली मेरा अनुभव रहा है कि वृषभ राशि वाले और तुला राशि लगन वाले एंड राशि वाले, तुला राशि और वृषभ राशि और वृषभ लगन तुला लगन वालों को लाइफ में जनरली काफ़ी दे लीड अ वेरी लग्जूरियस लाइफ। तो ऐसे में ये 12 राशियों पे क्या इसका असर रहेगा एक महीने तक हम डिस्कस करेंगे। देखिए मेष राशि पे पांचवें घर पर इसका गोचर हो रहा है शुक्र का। नोटों की ये शत्रु की राशि होते हुए बट फिर भी क्या है ये लाभ अधिक देगा। इसमें आपको कारोबार में, बिजनेस में लाभ है, नौकरी में भी जो है पॉजिटिव चेंजेस दिखा रहा है, और प्रेम संबंधों में बड़ा अच्छा एक पॉजिटिव सकारात्मक टाइम है। तो ऐसे में मेष राशि के लिए अच्छा समय है। दूसरी राशि टॉरस, ये खुद ही ये वीनस की राशि है। फोर्थ हाउस केंद्राधिपति योग बना हुआ है। साथ ही इसमें एक और चीज़ ये देखने वाली बात है कि टॉरस पे देखिए काफ़ी समय से कष्टों का समय चल रहा है, मगर इनके लिए ये बेस्ट समय है घर लेना, गाड़ी का या अपने घरों में रिनोवेशन करना, अदर लग्जरीज का। तो ओवरऑल इनके समय बहुत अच्छा है और पार्टनरशिप्स में, लव अफेयर्स में भी बहुत अच्छा टाइम है। तीसरी राशि आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि जेमिनाई, बेसिकली इसका गोचर, इसके जो स्वामी हैं वो हैं बुध। तो जेमिनाई पे तीसरे भाव पराक्रम भाव पर गोचर हो रहा है, तो ऐसे में इनके भाग्य वृद्धि होगी और इनको कारोबार में और जो लोग नौकरी में, दोनों में लाभ रहेगा। और स्टूडेंट्स स्पेशली जो लोग एग्जाम्स एंड ऑल दे रहे हैं उनको अकस्मात लाभ बनने का योग है। चौथी राशि कैंसर कर्क राशि। कर्क राशि बेसिकली चंद्रमा की राशि है, सेकेंड हाउस धन भाव पर गोचर हो रहा है। तो इसमें क्या है कि ये जो गोचर है इनके लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा पारिवारिक दृष्टि से, और साथ ही व्यापार एवं नौकरी के में भी इनको अधिक लाभ रहेगा, और प्रेम संबंधों में जो खटास आ गई थी वो अब प्रॉपर ठीक हो जाएगी। पांचवी राशि लियो अपनी लगन की राशि है। देखिए लियो का बेसिकली सिंह राशि बेशक शुक्र के गोचर जो हो रहा है वो शत्रु राशि में है, मगर फिर भी इनको हैप्पीनेस मिलेगी, इनका मन प्रसन्न रहेगा, रिलेशनशिप अच्छी रहेंगी, काम कारोबार में भी इनके मूवमेंट आ जाएंगी। जिनकी मैरिज में जो रिश्तों में देख रहे थे और मैरिजों में जो दिक्कत आ रही थी वो भी सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हम छठी राशि कन्या राशि। कन्या राशि का ये 12वें भाव पर है जो कि आपको पता है एक्सपेंसेस और हॉस्पिटलाइजेशन, तो इनको अपने हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा, रूटीन पे ध्यान देना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रहनी पड़ेगी और इनको खर्चे अकस्मात ज़्यादा होंगे। सातवीं राशि तुला राशि, ये शुक्र की राशि है, इसका गोचर 11th हाउस ऑफ बेनिफिट्स में हो रहा है, इसलिए इनको बिजनेस में, नौकरी में, पार्टनरशिप्स में, प्रेम संबंधों में, चारों में लाभ है, और खासकर इनको अपने माता से इनको लाभ मिलेगा। और इसके बाद हम आ रहे हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि पे। ये 10वें भाव पर गोचर हो रहा है जो कि कैरियर भाव है। इसमें इनकी अधिक भागदौड़ी रहेगी, थोड़ा मन भी इनका ऊपर नीचे रहेगा, बिजनेस में प्रॉफिट तो होगा मगर मेहनत करने के बाद आएगा, तो इसलिए थोड़ा संभल के रहें, टाइम थोड़ा ठीक है, एवरेज है। इसके बाद हमारे धनु राशि पे, तो धनु राशि पे भाग्य स्थान पर है तो भाग्य वृद्धि तो होगी होगी, साथ ही इनको प्रेम संबंधों में बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा, और जो प्रेम, जो कई समय से इनको जो लव अफेयर्स में दिक्कत आ रही थी उसमें
पॉजिटिव चेंज आएगा, नौकरी व्यापार और इनको इनको जो स्पेशली ट्रैवल से लाभ मिलने वाला है। इसके बाद दसवीं राशि मकर राशि जो कि शनि की राशि है, इसका गोचर देखिए ये इनके लिए अच्छा नहीं है क्योंकि मकर राशि पे आठवें भाव पे हो रहा है। आठवां भाव इसमें क्या है, इनकी हेल्थ के प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इनको कैरियर में दिक्कत आ सकती है जो ऑफिस में या नौकरी में, और साथ ही जो लोग अपना व्यापार कर रहे हैं उनको लेबर रिलेटेड प्रॉब्लम्स या कोई मटेरियल रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो ध्यान रहे। ग्यारहवीं राशि एक्वेरियस कुंभ राशि जो भी शनि की राशि है, इसका गोचर सातवें भाव पर हो रहा है जो कि पार्टनरशिप्स का है, तो आपस में प्रेम संबंधों में भी अच्छा रहेगा, अपने हस्बैंड वाइफ के बीच में स्पाउस में अच्छा रिलेशनशिप रहेगा और पार्टनरशिप्स अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ बड़ा अच्छा रहेगा। टूर्स एंड ट्रेवल्स इनको अच्छा रहेगा, खासकर इसमें इनको कोई अभी इसी समय 28 दिन में कोई बहुत बड़ा लाभ भी हो सकता है। इसके बाद जो बारहवीं राशि जो है वो है मीन राशि जो कि आठवें भाव पे, इनका छठे भाव पे गोचर हो रहा है। छठा भाव बेसिकली आप जानते हैं ऋण रोग और शत्रु का है, तो उसमें इनको क्या है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, इनको कम्युनिकेशन से अपने मतभेद हो सकते हैं अपने स्पाउस हस्बैंड या बच्चों से, साथ ही कोई घर में लेडीज़ को हेल्थ की इशू आ सकती है, वो पत्नी बहन माँ कोई भी हो सकता है। तो ये बेसिकली जिस बताया मैंने आपको 12 राशियों का कि क्या इसके विनष्ट शुक्र के उपाय हैं के बेसिक वो हैं। शुक्र जिनका वीक है या कमज़ोर है तो उसको सबसे बेस्ट उपाय है, तो आप शुक्र के को खुद करने के लिए शुक्रवार वाले दिन आप लक्ष्मी जी का पाठ करें या श्री सूक्त का पाठ करें, सफ़ेद रंगों का सफ़ेद चीज़ों का मिश्री चीनी और दूध का आप दान करें। आप सोमवार वाले दिन शुक्रवार वाले दिन सोमवार को आप शिव जी पर जल चढ़ाएं, और साथ ही आप एक काम जरूर करें कि शुक्र का मंत्र ओम हिम कुंदुम बिरलाभम दैत्यम परम, ये मंत्र आप जो है इसका आप जाप करें और ओम शुम शुक्राय नमः का जाप करें, ये आपके लिए लाभ रहेगा। और फ्राइडे को अधिक से अधिक वाइट कपड़ों का यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और साथ ही आपको ये भी जब बताया जा रहा है कि आप जो है गाय को सेवा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, गाय की जितनी भी सेवा की जाएगी उतनी अच्छा रहेगी। मैं उम्मीद करता हूँ इस शुक्र का जो गोचर आपके लिए शुभ रहेगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद।